आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वाणी, आपकी होस्ट, और मेरे साथ यह सह होस्ट है नतान्या, और हम आपका स्वागत करते हैं। और मुझे यकीन है कि आपने कभी ना कभी स्नो व्हाइट और दुष्ट रानी की कहानी तो सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी है तो आइए हम आपको इससे साझा कराते हैं। दीवार पर लगे जादुई आईने को रानी बोलती है कि बता आईना, देश में सबसे सुंदर कौन है? आईने ने कहा, तुम हो मेरी रानी, देश की सबसे सुंदर। फिर एक दिन रानी ने दोबारा पूछा, दीवार पर लगे जादुई आईने, बता कि सबसे सुंदर कौन है? आईने ने रानी को जवाब दिया, स्नो व्हाइट, हे रानी, वह सभी में सबसे सुंदर है। होंठ गुलाब की तरह लाल, बाल आबनूस की तरह काले, त्वचा बर्फ की तरह सफेद, उसका नाम स्नो व्हाइट है। रानी बोली, स्नो व्हाइट? अब स्नो व्हाइट रानी की नफरत की वस्तु बन गई, क्योंकि रानी अपने से अधिक सुंदर किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो ये तो है दर्शकों स्नो व्हाइट का एक दृश्य। हम सभी ने बड़े होते हुए शायद इसे देखा होगा, हमारी अधिकांश बेटियों ने भी किताबें पढ़ी हैं इसकी। बिल्कुल, मुझे स्नो व्हाइट की कहानी बहुत पसंद आती है। मैं खुद को 7 बौनों के साथ एक राजकुमार से शादी करके राजकुमारी बनने की कल्पना करती हूँ। ये एक सुंदर कहानी थी। लेकिन नतान्या, क्या ये सिर्फ एक साधारण कहानी है या इसका हमारे जीवन जीने के तरीके से कोई गहरा संबंध है? आपका क्या मतलब है वाणी? मेरा मतलब यह है कि मुझे यकीन है कि हम सभी ने ये शब्द कहे होंगे, या जब भी हम खरीदारी करने गए होंगे तो इसे जोर से सुना होगा। जब हम ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और एक नई ड्रेस को पहनकर देखते हैं, ट्राई करते हैं, तो हम वहाँ लगे आईने में अपने आप को देखते हैं और कहते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं आईने में कैसी दिख रही हूँ, है ना? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। आईना हर महिला के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जब बच्चे होते हैं तभी से आईना देखना शुरू करते हैं और उससे मोहित हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही हमें दिख रहा है। छोटी लड़कियों के रूप में हम कपड़े पहन पहन कर आईना देखते हैं और कल्पना करती हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा। फिर हम अपनी तुलना अपनी कक्षा की अन्य लड़कियों से करते हुए उन्हें किशोर अवस्था में देखते हैं। हम में से बहुत से लोग आईने के सामने खड़े होकर कुछ इस तरह से कहते हैं, परमेश्वर, तुमने मुझे बनाते समय गड़बड़ कर दी। मैंने तो निश्चित रूप से ही ऐसा कहा है। बिल्कुल, मैं हर दिन आईने का उपयोग करती हूँ और मुझे लगता है कि आप भी करती होंगी। हम में से प्रत्येक जिस आईने में देख रहे हैं उसके आधार पर हम जो देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमें आकार देता है। जी हाँ, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो, हम में से प्रत्येक अपने चारों ओर दर्पणों में देखते हैं और वे हमारी छवि को वापस हमारे सामने प्रतिबिंबित कर रहे हैं। आइए दुनिया के आईने को लें जो हमें एक धुंधला प्रतिबिंब देता है। धर्म निरपेक्ष, धर्म से संबंधित नहीं, संस्कृति एक मानक निर्धारित करती है कि महिलाओं में क्या मूल्यवान है। बाहरी सुंदरता मूल्य का स्वर्ण मुद्रा मानक है। हम इसे विज्ञापनों में, बड़े पर्दे पर, इंस्टाग्राम पर तस्वीरों और चित्रों में, विज्ञापनों में, और यहाँ तक कि संगीत में भी देखते हैं। ये छवियाँ जो सुंदर हैं कि निरंतर संदेश भेजती हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया निर्धारित करता है कि सफल महिलाओं की छवि कैसी होती है। हमें बताया जाता है कि उनकी छवि कपड़े पहनने या उनके दिखने या सोचने या जीने का तरीका है। इंटरनेट उस व्यक्ति को प्रतिबिंबित और आकार दे रहा है जो हम खुद के लिए और दूसरों के लिए हैं। मुझे लगता है कि सुंदर स्मार्ट महिलाओं को खुद को उनकी वास्तविकता से कम आंकते हुए देखना चौंकाने वाला है। हम कौन हैं? इसकी धुंधली बिगड़ी हुई छवि कभी भी स्पष्ट नहीं होगी जब हम दुनिया के आईने में खुद को घूरते रहेंगे, क्योंकि यह महिलाओं के प्रति दयालु नहीं है। उस आईने में हमारा प्रतिबिंब महिलाओं के जीवन में सुंदरता पैदा नहीं कर रहा है, यह धुंधला रहता है। चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, प्रतिबिंब गलत ही रहता है। बिल्कुल, हम में से कुछ लोग खुद को अपने रिश्तों के आईने से देखते हैं। ये उन छवियों से भरा हुआ है जो हम अतीत में थे। हम आज कौन हैं और हम क्या बनना चाहते हैं? इसमें हमारा बचपन, हमारी युवावस्था और हमारे द्वारा अनुभव किया गया कोई भी दुर्व्यवहार या आघात शामिल है। दर्दनाक और सकारात्मक रिश्ते हमें हर दिन आकार देते हैं। भावनाएं ही हैं जो हमें इंसान बनाती हैं, जीवन को जीने लायक बनाते हैं। लेकिन भावनाएं 100% निष्पक्ष होती हैं। हमारे पास किसी भावना पर कोई नियंत्रण नहीं होता है और कोई भी अपने असली परिवार को नहीं चुन सकता। लेकिन हम सभी अपने परिवार के जीवन से जो सीखते हैं वो चुन सकते हैं।
हम अपने जीवन के बाकी हिस्से को या तो अच्छे कामों को आगे बढ़ाने में या बुरे कामों को दूर करने में बिता सकते हैं। हम तय कर सकते हैं कि हम उनके जैसे बनना चाहते हैं या अपना रास्ता अपनाना चाहते हैं। किसी भी तरह से वे हमारे अतीत के प्रतिबिंब का हिस्सा हैं। हम जिस तरह के लोगों का अनुसरण करते हैं वही तय करेगा कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं। हम उन्हें अपने जीवन को प्रभावित करने, उनके दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने कि हम कौन हैं को वापस हमारे सामने लाने का विकल्प चुनते हैं। अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक को देखिए। वे लोग पहले से ही दर्शाते हैं कि आप कौन हैं, कैसे हैं और आपके चुने हुए परिवार हैं। सच तो यह है कि हम सभी ने आईने में देखने पर अप्रसन्नता के पल देखे हैं। चाहे हम बहुत लंबे, बहुत बड़े, बहुत छोटे या बहुत बदसूरत महसूस करें, परमेश्वर ने हमें वैसा ही बनाया है जैसा हम हैं। वो सोचता है कि हम सिद्ध हैं। मुझे ये पसंद है, खास तौर से अब जबकि हम एक ऐसी दुनिया और पीढ़ी बन रहे हैं जिसे शरीर की छवि का जुनून है। लोग मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, फैट डाइट पर बहुत पैसा खर्च करते हैं और हमारा आनंद दूसरों के साथ दैनिक तुलना तक सीमित हो जाता है। जी हाँ, हम एक ऐसी संस्कृति में हैं दर्शकों जो दर्पण की गुलाम है और कोई भी व्यक्ति जो पतला, सुडौल, अधिक हष्ट पुष्ट या सुंदर है वे अपने आप ही हमारी ईर्ष्या का विषय, हमारा अपना व्यक्तिगत स्नो वाइट बन जाता है। लेकिन बस एक पल के लिए सोचें कि दर्पण का उद्देश्य क्या है। ये प्रतिबिंबित करता है, ये अपने सामने जो कुछ भी है उसकी छवि को वापस प्रतिबिंबित करता है। ये बस इतना ही करता है। और फिर भी हम में से कई लोगों का अपने दर्पणों के साथ प्रेम घृणा का रिश्ता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है नतान्या, क्योंकि हम खुद का मूल्यांकन करने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं। हम इसका उपयोग इस बारे में मूल्य निर्णय करने के लिए करते हैं या किसी चीज या किसी व्यक्ति को सही या गलत होने या किसी चीज या किसी व्यक्ति की उपयोगिता का निर्णय लेने के लिए करते हैं कि हम एक निश्चित मानक पर कितने खरे उतरते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। दर्पण अपने सामने खड़े व्यक्ति के बारे में मूल्य निर्णय नहीं लेता है। नहीं, आईना ये नहीं कहता है कि तुम बदसूरत हो या अपने शरीर की चर्बी को देखो। नहीं, हम ऐसा खुद से करते हैं। हम अपने शरीर को आईने में देखकर एक मानक के आधार पर आंकते हैं। जी हाँ, हमारी संस्कृति इस बारे में क्या कहती है कि हमें किस मानक के अनुसार देखना चाहिए या दिखना चाहिए? ये हमें क्या बताती है कि हमारी शारीरिक छवि कैसी होनी चाहिए? हमें मॉडल, अभिनेत्रियों की तरह दिखना चाहिए? युवा, पतले, टैन, पुष्ट, चमकदार, चिकनी त्वचा वाले, बिना किसी दोष के, झुर्रियों से मुक्त, यहाँ तक कि बड़ा हुआ या सर्जरी की आवश्यकता वाले? जी हाँ, और हम हर जगह ऐसे दिखने वाले लोगों की छवियां देखते हैं। जिस मानक पर हमें खरा उतरना चाहिए वो हर जगह है। हम ऐसी महिलाओं को टीवी पर, फिल्मों में, बिलबोर्ड विज्ञापन पट पर, काम पर जाते समय, पत्रिकाओं में, यहाँ तक कि अखबार में भी देखते हैं। वास्तविकता यह है कि हम दिन रात इन छवियों से घिरे रहते हैं। वे दृश्य हैं, वे ग्राफिक हैं और वे हमारे दिमाग में एक छवि प्रज्वलित करते हैं कि हमें कैसा दिखना चाहिए। वे हमें बताते हैं कि यह वे मानक है जिसके आधार पर हमें खुद को मापना चाहिए। हम में से कई लोगों ने शारीरिक छवि संबंधी समस्याओं का अनुभव किया है। हो सकता है कि हम दुखी, निराश महसूस करते हों या अपने दिखने के आधार पर अपने आत्म मूल्य के बारे में बुरा महसूस करते हो। हो सकता है कि हम ऐसी चीजें देखते हैं जिन्हें हम बदलना चाहते हैं या हम उन चीजों को छिपाने की बहुत कोशिश करते हैं जो हमें अपने बारे में पसंद नहीं है। जी हाँ, बॉडी इमेज वह है जिससे हम खुद को देखते हैं और अपने खुद के रूप के बारे में कैसा महसूस करते हैं। हम में से कुछ लोगों को बॉडी इमेज सकारात्मक लगती है और सकारात्मक होती है, जहाँ हम अपने दिखने के तरीके को लेकर आश्वस्त महसूस करते हैं। हम में से कुछ लोगों की बॉडी इमेज ज्यादातर नकारात्मक हो सकती है और वे अपने शरीर के दिखने के तरीके से असुरक्षित या नाखुश महसूस करते हैं। हमारी संस्कृति हमें लोगों को पहले शरीर के रूप में देखना सिखाती और फिर लोगों के रूप में, जो हमें लोगों को उनके दिखने के आधार पर आंकने और महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। यह नकारात्मक शारीरिक छवि की ओर ले जाता है, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि हमारा शरीर हमारे बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं और हमें खुश रहने के लिए अपनी कमियों को ठीक करने की आवश्यकता है। हम में से बहुत से लोग खुद की तुलना सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोगों और मशहूर हस्तियों से करते हैं जो आज के सभी आदर्शों पर खरे उतरते हैं।
हम जो नहीं देखते हैं वो है डिजिटल एडिटिंग, स्टाइलिंग, ट्रेनर और कॉस्मेटिक सर्जरी, जो अक्सर उस लुक को पाने के लिए उपयोग किया जाता है। असुरक्षा और नकारात्मक धारणा खाने के विकार, चिंता और निराशा और अस्वस्थ संबंधों को जन्म दे सकती है। लेकिन ये जान लें कि अपने रूप रंग के बारे में चिंता करना और इस बारे में परवाह करना कि हम कैसे दिखते हैं सामान्य बात है। एक दिन अपने बारे में अच्छा महसूस करना और अगले दिन उतना अच्छा न महसूस करना सामान्य बात है। हमारी भावनाएं कभी कभी हमारे शरीर का स्वरूप और हम खुद को कैसे देखते हैं को प्रभावित कर सकती हैं। एमी कारमाइकल 19वीं सदी में एक मिशनरी थी। उनका जन्म उत्तरी आयरलैंड में हुआ था। उनकी कहानी से पता चलता है कि 19वीं सदी में भी एमी परेशान थी कि वो कैसी दिखती हैं और वो अलग दिखना चाहती थी। उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे परमेश्वर हम सभी को अपने स्वरूप में और अपने अद्भुत उद्देश्य के लिए बनाते हैं। एक छोटी लड़की के रूप में एमी कारमाइकल की इच्छा थी कि उसकी आंखें भूरी के बजाय नीली हों। उसने ये भी प्रार्थना की कि परमेश्वर उसकी आंखों का रंग बदल दे, और जब ऐसा नहीं हुआ तो वो निराश हो गई। 20 साल की उम्र में एमी को लगा कि परमेश्वर उसे भारत जाने के लिए बुला रहे हैं। एमी को पता चला कि जितना कि वो कभी नीली आंखों को महत्व देती थी, उसकी अपेक्षा उसकी अनचाही भूरी आंखें परमेश्वर की ओर से एक बहुत कीमती उपहार थी। भारत की संस्कृति में आसानी से ढलने के लिए परमेश्वर ने बुद्धिमानी से उसे गहरे भूरे बाल और भूरी आंखें दी थी, ठीक वैसे ही जैसे हजारों युवा लड़कियों और महिलाओं की तरह जिन्हें वो एक दिन बचाएगी। विभिन्न स्थानों पर सेवा करने के बाद वो भारत चली गई। एमी अपने नए जीवन के प्रति इतनी समर्पित थी कि उसने एक भारतीय नाम अपना लिया, भारतीय कपड़े पहने और यहाँ तक कि अपनी त्वचा को भी कॉफी से रंगा। अपने समय में वहां पर एमी ने युवा लड़कियों के लिए एक अनाथालय, स्कूल और सुरक्षित घर की स्थापना की। एमी ने एक प्राचीन प्रथा को तोड़ने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें छोटी बच्चियों को आराधनालय की सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाता था, जहां उन्हें पंथ वैश्याओं के रूप में प्रशिक्षित किया जाता था। अनगिनत लड़कियों को वैश्यावृत्ति के जीवन से बचाया गया और इसके बजाय उन्हें पढ़ना सिखाया गया और उनकी गरिमा वापस दी गई जो समाज ने उनसे छीन ली थी, और वे परमेश्वर के वचन को सुनने के माध्यम से यीशु के लिए हमेशा के लिए बच गईं। वाह, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:27। नकारात्मक आत्मधारणा के साथ संघर्ष करना हमारी खुशी को काफी प्रभावित कर सकता है या हमारा आनंद चुरा सकता है। तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया जाना हमें अपने शरीर से प्यार करने के बारे में क्या सिखाता है? बाइबल के पहले अध्याय में ये कहा गया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। ये एक ऐसा शक्तिशाली सत्य है जो हमें पवित्र शास्त्र की शुरुआत में ही पता चलता है। हमारा शारीरिक स्वरूप और रंग रूप परमेश्वर के स्वरूप का प्रतिबिंब है। हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम के कारण उसने हमें अपने जैसा बनाया है। पृथ्वी के निर्माण के दौरान परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था उसे अच्छा घोषित किया गया, जिसका अर्थ है कि सभी मनुष्य अच्छी रचनाएं हैं। प्रत्येक को परमेश्वर के स्वरूप में अद्वितीय रूप से बनाया गया है। हमारा स्वरूप उसके स्वरूप के साथ विशेषताओं को साझा करता है। जब परमेश्वर ने प्राचीन यहूदियों को आराधना के लिए कोई छवि या प्रतिमा नहीं बनाने का निर्देश दिया, तो ऐसा इसलिए था दर्शकों, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही हमारे अंदर अपने रूप के प्रतिबिंब बना लिए थे। हमारा एक मूल्य है क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके माध्यम से मूल्यवान बनाने के लिए बनाया है। हमारे शरीर सुंदर हैं क्योंकि वे परमेश्वर की सुंदरता को दर्शाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। खुद को और दूसरों को परमेश्वर के स्वरूप में बनाए जाने के रूप में देखना हमें अपने रंग रूप और शरीर के स्वरूप के बारे में अधिक सकारात्मक रूप से सोचने में मदद कर सकता है। दर्शकों, हम अपनी मानसिकता को रंग रूप के तुच्छ सांसारिक दृष्टिकोण से बदलकर रंग रूप के बाइबल के दृष्टिकोण में बदल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का व्यक्तियों के माध्यम से अपनी स्वरूप को अद्वितीय और सुंदर तरीकों से दिखाने का एक तरीका है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ।
भजन संहिता 139:13-14। अब मैं आपको संगीतकार बीथोवन के बारे में बताती हूँ। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे ऑर्केस्ट्रा का निर्देशन कर रहे हैं जिसे आप सुन नहीं सकते, या बिना आवाज वाला पियानो बजा रहे हैं जिसे श्रोतागण केवल घूर रहे हैं। ठीक यही बीथोवन के साथ हुआ, जो अब तक के सबसे महान संगीतकारों में से एक हैं। युवा बीथोवन को मोजार्ट के बाद सबसे महत्वपूर्ण संगीतकार के रूप में जाना जाता था। अपने 20 के दशक के मध्य तक लोग उन्हें एक शानदार प्रतिभाशाली पियानो वादक के रूप में जानने लगे। जब वे 30 वर्ष के हुए, तब तक उन्होंने कुछ पियानो संगीत कार्यक्रम, 6-स्ट्रिंग क्वार्टेट, यानी कि 4 संगीतकारों का एक समूह जो एक साथ विशिष्ट तार वाले वाद्य यंत्र बजाते हुए प्रदर्शन करते हैं, और अपनी पहली सिम्फनी की रचना कर ली थी। युवा संगीतकार के लिए सब कुछ अच्छा लग रहा था और आगे एक लंबे सफल करियर की संभावना थी। संगीतकार और रचयिता के रूप में प्रतिष्ठा बनाने के बाद बीथोवन ने अपने 20 के दशक के मध्य में अपनी सुनने की क्षमता खोना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने कानों में भिन भिनाने वाली आवाज को नोटिस करना शुरू कर दिया, और सब कुछ बदलने वाला था। जाहिर तौर पर बीथोवन 1812 तक कुछ भाषण और संगीत सुन सकते थे, लेकिन 44 वर्ष की आयु तक वे लगभग पूरी तरह से बहरे हो गए थे, और आवाजें या अपने प्यारे ग्रामीण इलाकों की बहुत सी आवाजें सुनने में असमर्थ थे। वो पियानो पर बैठते थे, अपने मुंह में पेंसिल रखते थे और नोट के कंपन को महसूस करते थे, और नोट के कंपन को महसूस करने के लिए उसके दूसरे सिरे को वाद्य यंत्र के साउंड बोर्ड से छूते थे। जब उनकी सुनने की शक्ति कम हो गई तो उन्होंने निचले स्वरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिन्हें वे अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। उन्होंने इस अवधि के दौरान मूनलाइट सोनाटा, फिडेलियो और 6 सिम्फनी लिखी। यह आश्चर्यजनक है। मुझे कभी नहीं पता था कि बीथोवन बहरे थे, और उन्होंने उस समय भी संगीत की रचना की थी। जी हाँ, मानव शरीर के चमत्कार, चुनौतियों और अक्षमताओं के प्रति इसके अनुकूल बनाने के तरीके का ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। वाह बहनों, अब मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूँ जो आपकी दुनिया बदल देगी। आप सुंदरता की परिभाषा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सत्य के लेखक ने आपको बनाया है। यह वास्तविक अखंडनीय पूर्ण सत्य का एकमात्र स्रोत है, और वह कहता है कि हम एक अद्भुत रूप से बनाए गए हैं जो उसने अपने हाथों से एक साथ बुना है, सुंदर, परिपूर्ण, उसके स्वरूप में बनाए गए और एक उद्देश्य के लिए बनाया गया। जो कुछ भी इसके विपरीत कहता है वह केवल शोरगुल है। जी हाँ, पहला कुरिन्थियों 6:19-20 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है और उसकी रचना के रूप में हम उसके हैं। यीशु ने हमारे शरीर को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए और अपना शरीर बलिदान कर दिया। यीशु ने अपनी आत्मा को हमारे भीतर रहने और पृथ्वी पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमें दिया। ये सभी सत्य हमें अपने शरीर को महत्व देने और उससे प्यार करने का कारण देते हैं, चाहे वे जो भी हों और वे दिखने में कैसे भी हों। हमारे प्राकृतिक शरीर मूल्यवान हैं क्योंकि परमेश्वर उनका उपयोग करते हैं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। एफेसियों 2:10, परमेश्वर ने हमें प्राकृतिक शरीर दिया है ताकि हम पृथ्वी पर उसका काम और उसकी इच्छा पूरी कर सके। परमेश्वर ने हमें अपनी बेटियों के रूप में बनाया है और उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। महिलाओं के रूप में दूसरों से अपनी तुलना ना करना मुश्किल है, चाहे वो दोस्त हों, सहपाठी हों, सहकर्मी हों या सोशल मीडिया पर लोग हों, लेकिन परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को अपनी रूपरेखा, उद्देश्य के अनुसार अद्वितीय और अलग बनाया है। जो हमें बनाता है वो हमारे सिर पर बालों की संख्या, हमारी त्वचा पर तिल और हर छोटी रेखा और निशान को जानता है। हम एक राजा की संतान हैं और उसने हमें सावधानी पूर्वक और प्यार से बनाया है। जी हाँ, और इसलिए हमें अपने शरीर से प्यार करना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। अपने शरीर की बात सुनना सीखने के लिए समय निकालने से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर को किस चीज की आवश्यकता है, चाहे वो हरकत हो, व्यायाम हो, पोषण हो या आराम हो। वाणी, आपको पता है
मुझे वो समय याद है जब मैंने अपने बालों की देखभाल करना शुरू किया था। मुझे वास्तव में अपने बालों से बहुत नफरत थी। वे घुंघराले लहरदार थे और मैं उन्हें लगातार सीधा करती रहती थी, जिससे बहुत नुकसान होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं अपने प्राकृतिक बालों की उचित देखभाल करना सीख रही हूँ और उन्हें प्यार करती हूँ। इससे मुझे अपने बालों के बारे में अधिक सकारात्मक महसूस करने और उनकी देखभाल करने के लिए समय निकालने में मदद मिलती है। वाह, और आपके बाल बेहद खूबसूरत दिखते हैं। और कभी कभी यह दिखाता है कि हम अपनी कमियों को दिखाने में बहुत जल्दबाजी कर सकते हैं और खुद के प्रति नकारात्मकता को बनाए रख सकते हैं। यह सीखना बहुत महत्वपूर्ण है कि खुद को अनुग्रह और क्षमा कैसे दिखाएं, जैसे कि यीशु करते हैं। हम अपनी सभी भावनाओं को जोखिम महसूस करते हैं, उन्हें लेकर परमेश्वर के सामने ला सकते हैं। हम जब परमेश्वर हमारी बात सुनना, हमें दिलासा देना और हमारी देखभाल करना चाहता है। और जब हम खुद को वो अनुग्रह दिखाते हैं तो परमेश्वर हमें दिखाते हैं, तो ये उन्हें हमारी बेटियों के रूप में हमारे अंदर और हमारे माध्यम से काम करने की अनुमति देता है। जी हाँ, हमें उम्मीद है कि ये अनुस्मारक हम में से प्रत्येक के लिए सहायक और उत्साहजनक होंगे, क्योंकि हम अपने शरीर को स्वीकार करना और उसकी देखभाल करना सीखते हैं, वो शरीर जिसे परमेश्वर ने इतने प्यार से बनाया है। अगले सप्ताह तक दर्शकों, यहाँ कुछ याद रखने योग्य है। परमेश्वर को विविधता पसंद है, इसलिए कोई भी दो फूल बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, कोई भी दो बर्फ के टुकड़े समरूप नहीं होते और कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते। वो नहीं चाहता था कि हम हर किसी की तरह बने, क्योंकि उसके लिए हर कोई अलग है। उसने हमें अलग बनाया क्योंकि हम अलग होने के लायक हैं। हम दिलचस्प और अनोखे होने के हकदार हैं। जी हाँ, अब इससे पहले कि आज आपसे विदा लें, आइए प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने आज के इस दिन को चुना ताकि हम इस बात को जान सकें कि हम किसी के डुप्लीकेट नहीं हैं। हाँ पिता, हम इस बात को कई बारी इस दुनिया के मापदंड से आंकते हैं, जब हमें लगता है कि सामने वाला ज़्यादा अच्छा है, सामने वाले के पास शायद मुझसे ज़्यादा हुनर है या मुझसे ज़्यादा अच्छा दिखता है या दिखती है। पिता, महिला होने के नाते कई बारी ऐसी कई सारी चीज़ें हमारे सामने एक बाधा के रूप में खड़ी होती हैं, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपके वचन के द्वारा आपने हमें दोबारा ये एहसास कराया कि हम आपकी बेटियां हैं और आपने हमें पिता परमेश्वर रचा है और हम सब विविध हैं। हाँ पिता, हम सब के अंदर अपने अपने गुण हैं, वो तमाम बातें हैं, क्योंकि आपने हमें अपने स्वरूप में रचा है और आपने हमें रचा है ताकि हम आपके कामों को कर सकें, जो योजना आपकी हमारे जीवन में है उस योजना को पूरा कर सकें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए जो आपने हमें इस पृथ्वी पर दिया और ख़ास तौर से हमें अपने हाथों से बुनने के लिए। हाँ पिता, जब हम माता के गर्भ में ही थे तब आपने हमें बनाया है और परमेश्वर, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना है ताकि हम आपके कामों को करने वाले बन सकें। प्यारे प्रभु, हमें ऐसा नज़रिया दीजिए अपने वचन के द्वारा ताकि हम दुनिया की नज़रों से, दुनिया के मापदंड से अपने आप को ना आंकें, बल्कि आपकी नज़रों से अपने आप को निहारें, आपकी नज़रों से एक सकारात्मक सोच को अपने अंदर पनपने दें और उसी को अपने हर बात के द्वारा, अपने हर कार्य के द्वारा झलकाएं, ताकि पिता आपके नाम को महिमा मिले। हम जिस कार्य में हाथ डालें उसमें केवल और केवल आप ही के नाम को महिमा देने के लिए अपने प्रतिबिंब का इस्तेमाल कर सकें। हम नकारात्मक ना हो बल्कि हमेशा आपके दिखाए हुए वचनों के अनुसार सकारात्मक रहें और आपके दिए हुए इस वरदान का धन्यवाद करते हुए आपके कामों को करते चले जाएं। हम सब ने जब आज इस प्रार्थना को परमेश्वर मिलके मांगा है, तो पिता हम अपने आप को, अपने भविष्य को भी आपके सामने, अपनी सोच को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपको आज के कार्यक्रम से प्रोत्साहन मिला होगा और याद रखें कि हम में से प्रत्येक परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया है तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर मिस्ड कॉल जरूर दीजिए। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे।